खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो देश के किसी भी थाने में दर्ज करवा सकेंगे FIR, लोगों को झंझट से मिलेगी मुक्ति। 1 जुलाई से जो है देश भर में जो है 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। पुराने कानूनों की जगह भारतीय न्याय सहायता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो ले लेंगे। वह नए नियमों में पुलिस को किसी भी रेड या फिर जब्ती के मामले में जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति बिना थाने में जाए EFIR दर्ज करवा सकेंगे। वह पीड़ित व्यक्ति को FIR दर्ज करवाने का अधिकार क्षेत्र की बाध्यता को जो है नए कानूनों में जो है यहाँ पर खत्म कर दिया गया। यानी FIR दर्ज करवाने के लिए अधिकार क्षेत्र यानी मतलब आपके जो क्षेत्र का थाना आता है वैसा आपको कुछ नहीं करना, किसी भी थाने में आप FIR दर्ज करवा सकते हैं। वही पीड़ित जो है देश के किसी भी थाने में FIR दर्ज करवा पाएंगे और पुलिसकर्मी जो है वो भी पुलिस कर्मचारी भी जो इसे मना नहीं कर सकेंगे। तो नए कानून जो है 1 जुलाई 2024 से जो है देश भर में लागू हो जाएंगे। 3 नए कानून जो है वो लागू हो जाएंगे, इससे लोगों को जो है राहत मिलेगी। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, बजट 2024 इंश्योरेंस सेक्टर को मिल सकता है बूस्ट, सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट आने वाला है भाई। 22 जुलाई को जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार बनने के बाद ये सरकार का पहला बजट होगा। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 7वां बजट होगा। इससे पहले वित्त मंत्री 5 पूर्ण और 1 अंतरिम बजट पेश कर चुकी है। आगामी बजट से हर वर्ग को फिलहाल उम्मीद है। इस बीच सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसमें जो है वित्त मंत्री कई बड़ी घोषणा कर सकती है, इंश्योरेंस को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक बजट में इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बड़ा ऐलान संभव है। वह सभी बीमा कंपनियां हर तरह की पॉलिसी बेच सकेंगी। ऐसे में लाइफ इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनियों को जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों पॉलिसियों बेचने में छूट मिल सकती है। इसके अलावा जो है दबाव के लिए इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को मंजूरी मिल सकती है। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी शुरू करने की शुरुआत और पूंजी में रियायत यहाँ पर संभव है। वहीं इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल में जो है रिस्क बैंड जो सेवियर सीरियसली जो है उसको जो है उसके रेशियो को जो है वो यहाँ पर उसके रेशियो को लेकर कुछ बड़े फैसले यहाँ पर किए जा सकते हैं। उसका रेशियो भी जो है तय होगा और इसके अलावा सॉल्वेंसी जोखिम का हिसाब जो है वो भी तय होगा। इसके अलावा आने वाले बजट में इनकम टैक्स को लेकर भी कई तरह की उम्मीदें जुड़ी हुई है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला देखिए, 9 लाख दिव्यांग और सीनियर सिटीजन को घर पर अब मिलेगा राशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल 18 वर्ष से कम और 60 साल से अधिक यानी सीनियर सिटीजन और विशेष योग्यजन के लिए ये खबर यहाँ पर बड़ी खबर है। सर राजस्थान में जो है 1 जुलाई से भजनलाल सरकार जो है गेहूँ का राशन जो है वो लोगों के जो है घर तक जो है यहाँ पर डिलीवर करेगी। यानी घर बैठे जो है डिलीवर जो है गेहूँ जो है वो होगा। इसे 9 लाख लोगों को फायदा होगा। दरअसल राजस्थान के अंदर जो है सरकार जो है बदला सरकार 18 वर्ष से कम और 60 साल से ज़्यादा उम्र के विशेष योग्यजन के लिए जो है 1 जुलाई से जो है घर पर राशन की सुविधा जो है मुहैया कराएगी। यानी आपको जो है राशन जो है वो घर बैठे मिलेगा। 1 जुलाई से जो है सरकार ये काम शुरू कर रही है। जैसे आपको बदला सरकार के इस पैसे से प्रदेश में 3 सर्वे में करीब 9 लाख से ज़्यादा परिवारों को फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत हर माह गेहूं की डिलीवरी बैग में की जाएगी। इसके लिए राशन डीलर्स को अलग से मानदेय दिया जाएगा। अब सीनियर सिटीजन और दिव्यांग और 18 साल से कम उम्र के लाभार्थी को राशन की दुकान की लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। दरअसल जो राजस्थान के खाद्य मंत्री है सुमित गोत्रा, उन्होंने बताया है कि इस स्कीम में से 9,14,452 जो पात्र परिवार जो है उनको फायदा होगा। 14,46,00,000 से आसपास जो लोग जो है इससे फायदा लेंगे वही लाभान्वित जो है इसमें यहाँ पर होंगे। इसमें 60 साल से ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन, दिव्यांग और 18 साल से कम उम्र के लोग शामिल हैं। वह आगे उन्होंने बताया कि आचार संहिता की वजह से जो है इस बजट की घोषणा को लागू यहाँ पर नहीं किया जा सका, लेकिन अब जो है इसको लागू कर दिया गया है। 1 जुलाई से ये लागू हो जाएगा। तो राजस्थान में फिलहाल ये अच्छी बड़ी यहाँ पर राहत वाली खबर आ रही है। ऐसे उपभोक्ताओं को POS मशीन के माध्यम से डीलर OTP या फिर बायोमेट्रिक लगवा कर राशन वितरण जो है कर सकेंगे। सरकार की पहल जो है लोगों के लिए राशन तक यहाँ पर जो मतलब सरकार की पहल है ये है कि जो लोग राशन तक की दुकान नहीं पहुँच सकते उन्हें जो है आसानी से राशन जो है उपलब्ध करवाया जाए। तो ये बड़ी खबर फिलहाल राजस्थान से सामने आ रही है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो LIC के पॉलिसी धारकों को सलाह, बीमा पॉलिसी के नाम पर धोखाधड़ी से किया है सावधान।
देश भर में जो है भारतीय जीवन बीमा निगम के करोड़ों पॉलिसी धारक हैं। इन सभी ग्राहकों के हित में जो है LIC ने एक जरूरी यहां पर चेतावनी जारी किया। दरअसल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है अपने पॉलिसी होल्डर्स को उनके इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े गैर अधिकृत ट्रांजेक्शन को लेकर जो है सतर्क किया है। दरअसल ये एडवाइजरी उन रिपोर्ट्स के बाद सामने आई है जिसमें कहा गया था कि कुछ कंपनियां पॉलिसी सरेंडर कराने के नाम पर LIC पॉलिसी होल्डर से पॉलिसी हासिल करना चाहती है। वही इस मामले में जो है LIC ने स्पष्ट किया है कि वह इन एंटिटीज और एंटिटीज और उनके इस ऑफरिंग को जो है एफिलेटेड नहीं है। दरअसल ऐसी कई खबरें सामने आई है जिसमें लोगों को अच्छी रकम देने का भरोसा दिलाकर उनका मौजूदा LIC इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का लालच उन्हें दिया जा रहा है। ऐसे में लोग जो है अपनी बीमा पॉलिसी कंपनियों को सरेंडर जो है करके नहीं करके बल्कि उन्हें गलत तरीके से जो है बेच रहे थे। इस मामले पर जो है LIC ने अपना स्थिति जो है वो स्पष्ट कर दिया है। वह LIC ने जो है पॉलिसीधारकों के हित में बयान जारी करते हुए कहा है कि LIC ऐसी किसी यूनिट या फिर संस्थाओं द्वारा पेश किए जा रहे प्रोडक्ट और या फिर सर्विसेज से संबंध LIC का नहीं है। तो LIC ने स्पष्ट रूप से जो है इसके ऊपर जो है संज्ञान ले लिया है। वह LIC के पूर्व कर्मचारी और कर्मिकों द्वारा दिया गया कोई भी बयान ऐसे व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत है। इस संबंध में हम किसी भी जिम्मेदारी या फिर दायित्व से इनकार करते हैं। तो LIC ने यहाँ पर ये बात कही है। इसके अलावा ये भी कहा है कि हम सभी पॉलिसी धारकों से आग्रह करते हैं कि वे अपनी पॉलिसी पर कोई भी जो है निर्णय लेने से पहले सावधानी पूरी यहाँ पर बरतें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि रोजाना जो है खबरें आपको समय पर मिलती रहे।